शरलॉक 2.0 चालू हो गया है। बच्चों का जो शिक्षा पूरी तरीके से इस समय विपरीत और विकराल स्थिति हो गया है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा के पटरी पर आने में भी बहुत समय लगेगा। और सरकार ने फैसला लिया है कि सभी निजी विद्यालय के जो है फी को कम किया जाए या माफ़ किया जाए। क्या है पूरा ये मामला सर? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने जो पहले बात चिंता व्यक्त की कि बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो रही है लॉकडाउन में, तो बहुत सही बात है कि कुछ हद तक बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो रही है, परंतु निजी विद्यालयों ने भरसक प्रयास किया है कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सारे बच्चों को कराई जाए। जहाँ तक हमारे विद्यालय का यदि प्रश्न आप करते हैं कि ज्ञान ज्योति में क्या हो रहा है, तो यहाँ हम लोग अपने 70% से अधिक बच्चों को पढ़ाई कराने में सफल हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोगों ने एक ऐप डेवलप कराया जिसमें बच्चे को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे टीचर को देख रहे होते हैं, सारे बच्चे टीचर को दिख रहे होते हैं। बच्चे यदि बीच में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करते हैं, टीचर उनका यहीं से अपने घर से अपने स्टूडियो से स्पीकर ऑन माइक ऑन करते हैं और बच्चों की आवाज़ सारे बच्चे और टीचर को आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रयास करके विद्यालयों के द्वारा 70-80% बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी गुणवत्ता भी 80-90% है कि बच्चे समझें। लेकिन सर, जो फी की बात आ रहा है कि कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि फी को माफ़ कर दिया जाए, ये सर क्या है मामला, ये बताया जाए जो फी 3 महीने का जो है उसको ना लिया जाए? देखिए, ये बहुत प्रासंगिक नहीं है। कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है तो उसके अपने खर्चे होते हैं। किसी की भी फीस 100% उस ऑर्गेनाइजेशन के प्र॑फिट में नहीं होता है। 2-3% से ज़्यादा का प्रॉफिट कहीं नहीं आता होगा, रिसीट ओवर एक्सपेंडिचर किसी भी जगह। और यदि कोई कहता है कि सैलरी दीजिए परंतु फीस ना लीजिए, तो ये न्याय संगत भी नहीं है। यदि हम विद्यालय वाले सैलरी देने के लिए बाध्य हैं तो बिना फीस लिए हम सैलरी नहीं दे सकते, कहाँ से दिया जाएगा। सिर्फ सैलरी ही नहीं, एक इंफ्रा को खड़ा करने में बैंकों का भी सपोर्ट होता है। एक एक बस पे हमारे रोड टैक्स लगते हैं, इंश्योरेंस लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ड्राइवर खलासी की सैलरी लगती है। तो डीजल का खर्च तो 20-30% ही होता है। जो लोगों की भावना है कि अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं तो डीजल का खर्च बच रहा है इसलिए ट्रांसपोर्ट का फीस नहीं लगना चाहिए, परंतु कभी किसी ने भी ये कैलकुलेट करने का प्रयास किया है कि एक बच्चे के ऊपर जब ट्रांसपोर्ट चलता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, एक बस के रेगुलर एक्सपेंसेस क्या आते हैं। यदि आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 60-70% रिसीट का एक्सपेंडिचर केवल रोड टैक्स, इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मद में जाता है और सैलरी मद में जाता है, और 30-40% ही डीजल के मद में जाता है। तो ये भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वो यूनिट ही लॉस में आ जाएगी और 2-4-5 महीने के अंदर NPA होने लगेगा बैंकों का। तो सर, जो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे ऐसे विकट परिस्थिति में, क्योंकि व्यवसायियों का भी वही हाल है, शिक्षा जगत का भी वही हाल है, खासतौर पर निजी शिक्षण संस्थानों के ऊपर इस बात को लागू किया जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है। बहुत ही सम्यक निर्णय सरकार को इस वक्त लेने की बात मैं करूंगा कि कोई भी निर्णय सरकार जब ले तो वो सम्यक। सर, आप लोगों ने कंधे से कंधे मिला के लॉकडाउन का पालन किया है, लेकिन अब ये जो हो रहा है कि लगातार जो सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के ऊपर जो उनके फी हो उसको कम किया जाए या ना लिया जाए, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा सर दुविधा है, क्योंकि क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी जब यदि ओपन होता है तो स्कूल तो सर चलने में टाइम लगेगा भी। जहाँ तक मैं अखबारों के माध्यम से जान सका हूँ उसमें यही पढ़ने में आता है कि जो लोग क्वार्टरली फीस चार्ज किया करते थे उनको सरकार ने कहा है कि क्वार्टरली ना लेकर आप मंथली लीजिए, और ये वक्त था एनुअल फीस वगैरह भी लेने की,
जिसमें कि सरकार ने कहा है कि जो गार्जियन सक्षम नहीं है आपको एनुअल फीस अभी देने में, उनसे आप एनुअल फीस को इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत बड़ी कोई समस्या है, लेकिन हाँ लोगों को कंफ्यूजन जरूर है कि सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया, जो प्रॉब्लम कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट में भी। सर जो स्कूल का जो वाहन है, बच्चे वो आते जाते, उसका सर खर्च देना होगा या उसको माफ किया जा रहा है क्या? उसके लिए अभी हम लोगों ने अप्रैल का ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लिया है, परंतु चूंकि वैसा अखबार में गवर्नमेंट के साइड से स्टेटमेंट आ रहा था कि आपको ट्रांसपोर्ट का फीस नहीं लेना है, इसलिए हम लोगों ने अप्रैल महीने की फीस अपने सिस्टम से हटा दी है सरकार के आदेश आने के बाद से, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से यदि पेमेंट करता है तो अप्रैल की फीस उसे लागू ना हो। यदि जिन्होंने पहले दे दिया है उनका फीस हम लोग अगले महीने में सामंजस्य करेंगे, उसको एज एडवांस हम लोगों ने सिस्टम में रख दिया है। जो कोई मई में फीस अपनी जमा करेगा उसमें इस ट्रांसपोर्टेशन का फीस सामंजस्य कर दिया जाएगा। सर एक सवाल और कि ऑनलाइन जो आप लोग पढ़ाई करा रहे बच्चों को, आप लोग तो लगातार प्रयास है कि बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन दुविधा ये कि सर बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है कई बच्चों के पास। हम लोग स्मार्ट क्लास के कंटेंट्स बच्चों को दे दिए हैं, एनसीईआरटी की सारी पुस्तकों का पीडीएफ बच्चों तक पहुंचा दिया गया है नेट के थ्रू, और हमारे विद्यालय के 70% बच्चों को मुझे नहीं लगता है कि समस्या है। वैसे ही बच्चों को समस्या है जिनके घरों में आइदर स्मार्टफोन नहीं है या लैपटॉप्स नहीं, या उनके एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम रह रही है, नेटवर्क का स्पीड स्लो हो जा रहा है जिससे कभी कभी वो लॉगिंग हो रहे हैं और कट जा रहे हैं। अभी सर आपके यहाँ बहुत लार्ज स्केल पर ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए टीचर बैठे हुए हैं, कितने के सर सब सब्जेक्ट के बताए जा रहे हैं, कितने कौन से क्लास के पढ़ाई अभी ऑनलाइन में चल रहा है सर? हमारे यहाँ जो स्टूडियो हम लोगों ने बनाया है उसमें 5-6 टीचर्स ही रहते हैं, 100-100 स्क्वायर फीट का एक एक रूम है जिसमें एक एक टीचर बैठते हैं और वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बाकी सारे टीचर्स अपने अपने घरों से क्लास ले रहे हैं। कौन? हिंदी और संस्कृत छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू करा दी है। और सर ये जो बच्चे किस वर्ग के बच्चों के? नर्सरी से स्टैंडर्ड 10th तक की सारी पढ़ाई हम लोगों की शुरू हो चुकी है ऑनलाइन, 10th तक के सारे बच्चों की पढ़ाई। सर लास्ट सवाल, देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे ऐसे विकट परिस्थिति में जो निजी संस्थान चल रहा है शिक्षा जगत से? बस ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त किसी से भी मांग करने का नहीं, एक अपेक्षा करता हूँ कि महान मोदी जी हैं और जो भी निर्णय लें वो सम्यक निर्णय लें, सर्वहित में हो, वो एक तरफा निर्णय नहीं हो, यही अपेक्षा।